शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाड़ी में नाभिक संगठन ने मूक आंदोलन कर राज्य शासन विरोध में किया रोष व्यक्त। कोरोना के चलते लॉकडाउन में बीते 80 दिनों से मार्केट बंद रहा है, लेकिन अब सरकार ने सभी दुकानें खोलने को अनुमति दी, लेकिन हेयर सलून ब्यूटी पार्लर के दुकानें खोलने को अनुमति नहीं देने से दत्तवाड़ी में गुरुवार को सुबह 11 बजे नाभिक एकता संगठन ने सरकार के विरोध में मूक आंदोलन कर दुकानें खोलने की मांग की है। दुकानें खुलने की अनुमति नहीं देने पर सभी सलून ब्यूटी पार्लर दुकानदार परिवार को 10,000 रुपए प्रतिमाह की मदद देने की मांग भी नाभिक एकता संगठन ने की है। 18 जून तक मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन का इशारा दिया। सभी सलून दुकानदारों ने मुंह पर काले मास्क लगाकर सरकार का निषेध व्यक्त किया है। नाभिक एकता मंच के आंदोलन में विधायक समीर मेघे ने आंदोलन में हिस्सा लिया। नाभिक एकता मंच के पदाधिकारियों ने विधायक समीर मेघे को अपनी समस्या से अवगत कराया। आंदोलन आकर्षण रहा। जमीन पर गोनपाट डालकर सलून साहित्य, कैची, कंगवा, मशीन, पुराना व नया वस्त्रा साहित्य लेकर नाभिकों ने आंदोलन को अनोखा रूप दिया। सभी ने सरकार के खिलाफ के नारे लगाकर हाथ में बैनर लेकर निषेध व्यक्त किया। आंदोलन में अध्यक्ष राजेश मानकर, वसंत घड़िनकर, विलास वाटकर, रविंद्र खैरकर, राकेश वटकर, मनोहर राव मांडवकर, शंकर वलोकर, विनोद चौधरी, दिवाकर निम्बुलकर, हरीश पारधी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही आंदोलन को सफल बनाया। पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे हैं कि सारे व्यवसाय शुरू हुए, सिर्फ सलून जिम ये बंद है। एक तो इनको आपने स्टेट गवर्नमेंट ने इसको परमिशन देना चाहिए, या कम से कम वहाँ काम करने जो लोग हैं, जो वहाँ काम करते उनको पैकेज की घोषणा करना चाहिए। हमने हिंगना तालुका में 19 मई को एक निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को तहसीलदार साहब के माध्यम से दिया था और उनको कहा था कि नाभिक समाज और ऑटो चालक और रिक्शा चालकों को पैकेज देने का काम होना चाहिए, मगर अभी तक उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया। ऑटो और रिक्शा ये शुरू हुए, मगर कहीं तभी ये नाभिक समाज, इनको अभी तक के हताशा मिली है। इनको एक तो परवानगी देना चाहिए, या वापस मैं कहना चाहता हूँ कि इनको राज्य शासन ने पैकेज देके इनको मदद करना चाहिए। नाभिक समाज हा गरीब तबका है, खालच्या स्तरावरचा तबका है, आणि यांची भिस्त पूर्ण सलून व्यवसायावर आहे। 3 महिने झाले सलून व्यवसाय बंद आहे, यांच्या दुकानचे घरभाडे यांच्या अंगावर बसत आहे, यांच्या शिक्षणाच्या शाळेचा खर्च यांच्या अंगावर बसत आहे। यांच्याकडे आता 1 महिना कसा तरी गुजरला, पण आता कंटिन्यू यांचं दुकानं बंद आहे, तर यांना घरच्या लोकांना परेशानी, यांच्या समाजाला परेशानी, यांच्या लहान मुलांना परेशानी, यांना यांच्यावर आता उपासमानीचे दिवस याची पाळी आलेली आहे। आमची मागणी आहे की आमचे घरभाडे माफ व्हायला पाहिजे, दुकानं चालू व्हायला पाहिजे, नाहीतर आम्हाला दरमहा 10,000 रुपये महिना यांनी सरकारने द्यायला पाहिजे, अशी आमची व्यवस्था त्वरित करायला पाहिजे, जेणेकरून आमचं शिक्षण होईल, आमच्या मुलाबाळांचं शिक्षण होईल, आमच्यावर उपासमारी जे याची पाळी आली ती येणार नाही, आणि आमचा जो सामाजिक दर्जा आहे तो व्यवस्थित राहील। आम्ही आमच्या एरियामध्ये 2 अशा घटना घडल्या। नवनीतनगरमध्ये आमच्या समाजाच्या एका मुलानं गळा कापून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, तसेच टेकडीवाडीमध्ये हाताची नस कापून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला। तर अशा घटना व्हायला नाही पाहिजे, अशा घटना व्हायची आणखी चान्सेस भरपूर आहे, तर अशा घटना नाही व्हायला पाहिजे म्हणून सरकारनी आमची दुकानं चालू करून द्यायला पाहिजे, सलूनची दुकाने, ब्युटी पार्लरची दुकाने। नाहीतर सरकार अगर चालू करण्यास असमर्थ असेल तर त्यांनी त्वरित 10,000 रुपये महिना प्रत्येक कारागिराला, प्रत्येक परिवाराला द्यायला पाहिजे। इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।